Welcome to this math session, students. We are going to start a new chapter today. The chapter is set, relation and function. According to our module, this is M2, sets, relation and function. And according to your NCERT, this will be your first chapter, right? NCERT mein aapko relation most probably alag chapter mein diya hoga. Function alag chapter mein diya hoga. Now, for maths, as of now, you have to make 2 books. टोटली आपको 3 बुक बनानी है, बट पहले 2 बुक बनाओ, फिर मैं बताऊंगा तीसरी कब बनानी है. फर्स्ट विल बी फॉर्मूला बुक एंड सेकंड विल बी रेगुलर बुक. कौन सी चीज फॉर्मूला बुक में लिखनी है, कौन सी चीज रेगुलर बुक में लिखनी है, वो नाम से ही पता चलता है. फॉर्मूला बुक जिसमें हम सारी फॉर्मूला और सारे कंसेप्ट लिखेंगे, रेगुलर बुक जिसमें हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. इज दिस क्लियर मॉड्यूल की. एंड आपको यहाँ पे भी ये जैसे मेरी वन नोट है, FB मीन्स मैं यहाँ पे फॉर्मूला बुक लिखूंगा, RB मीन्स रेगुलर बुक. सारे सेक्शन बनाता जाऊंगा एक्सरसाइज वाइज. जैसे पहला सेक्शन है फॉर 2.1, दिस पेज इज फॉर 2.1, दैट इज फॉर 2.1 एक्सरसाइज. टोटल यहाँ पे 4 एक्सरसाइज हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. तो वो सारी चीजें हम देखेंगे वन बाई वन. सो लेट अस सी 2.1. 2.1 इज इंट्रोडक्शन टू सेट्स. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके वो सारी चीजें पढ़ते हैं. जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सेट्स, पहले हम यहाँ पे दिखा गया कि हम एलिमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, बट एलिमेंट ऑफ सेट से पहले हम सेट्स पढ़ेंगे. व्हाट इज द सेट? एलिमेंट पढ़ने से पहले सेट की डेफिनेशन क्या है, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो, बट ये नहीं जानते हो कि यही सेट होता है. एंड जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं उनको शायद पता होगा, फाउंडेशन में आप शायद सेट थियरी पढ़ चुके होंगे. फिर सेट को किस तरीके से हम दूसरे अलग अलग फॉर्म में रख सकते हैं, रेस्टर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, या फिर इन दोनों को एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. सेट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, नल, एम्प्टी, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट के अंदर. दो सेट को इक्वालिटी हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं. डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल. ये सारी चीजें हम वन बाई वन पढ़ने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. आप में से कोई मुझे बताएगा, अगर आप ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुका है कुछ भी, इन योर ओन वर्ड्स, What do you mean by set? थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत याद है. आप बोलोगे सर अभी हमने ब्रेकफास्ट क्या किया वो याद नहीं है, एंड आप हमें पूछ रहे हो फाउंडेशन में सेट वाला कैसे याद होगा. यस और नो? फिर भी यस. रिकॉग्नाइज टेलिंग, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ समथिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. निक दो इस टेलिंग. हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि वो समथिंग सिमिलर ही हो, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाइंड. सो योर सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. समझना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स इट शुड बी वेल डिफाइंड. दिस वेल डिफाइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप जो भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहे हो उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग क्लियरली देन यू कैन नॉट फॉर्म सेट. एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, राइट, एंड सेट की रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ेंगे कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैपिटल ए बी सी डी, कैपिटल अल्फाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड, इसमें से आप किसी भी तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. समझना. नाउ एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा हूं, सेट ए इट इज कलेक्शन ऑफ क्लास 11th students of Avanti who have opt for maths, or particularly I can say JE. जो JE के लिए preparation कर रहे हैं, class 11th students Avanti के, as well as मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ for academic year 2021 to 2022. तो बोलो अगर मैं ये set बना रहा हूँ, अगर मैं इस set को नाम दे रहा हूँ A, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स होंगे, आप 37 के 37 स्टूडेंट्स, आप सबको अगर मैं सेट नाम दे रहा हूँ ए,
तो क्या ए में आप सबका नाम आएगा? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? जल्दी 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 बोलो. यस और राइट? यस डेफिनेटली इट इज वेल डिफाइंड नाउ. एंड अब ये सारे स्टूडेंट्स के अगर मुझे नाम लिखने हैं, जैसे मैं शुरू कर रहा हूं, पहला नाम अभिलाष, दूसरा नाम अदनान, तीसरा नाम अमित, राइट? यहाँ पे जिस तरीके से मुझे पार्टिसिपेंट्स बॉक्स में सीक्वेंस दिख रहा है, लास्ट में मैं जा रहा हूँ, लास्ट में मुझे दिख रहे हैं टेरेंस, वरुण, याशिका, जैन, राइट? सो हियर वरुण, याशिका, जैन. ओके, नाउ हाउ आई कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम? हाउ आई कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम? डेफिनेटली यहाँ पे ये अभिलाष एंड जैन, अभिलाष से लेके जैन तक सभी को मुझे कॉमा से सेपरेट करना होगा. आई विल सेपरेट कॉमा, आई विल सेपरेट ऑल द एलिमेंट्स विथ कॉमा एंड आई कैन रिप्रेजेंट ऑल दिस एलिमेंट्स इन दिस कर्ली ब्रैकेट. दिस कर्ली ब्रैकेट विल रिप्रेजेंट सेट. इज दिस क्लियर एवरी वन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये आपके कर्ली ब्रैकेट हो जाएंगे सेट. ओके, ओके, इज दिस क्लियर एवरी वन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल अल्फाबेट्स यूज होंगे, ए बी सी डी. एंड जब उसको अच्छे से लिखना है, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सारे एलिमेंट को लिखोगे. सारे एलिमेंट कैसे सेपरेट होंगे? कॉमा से. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? एंड ऐसा जरूरी नहीं कि अंदर सारे एलिमेंट आप सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हो. आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. योर ऑर्डर कैन बी एनीथिंग. If it is clear, you can tell me yes, right? Whether आप unmute करके yes बोल सकते हो, chat box में yes बोल सकते हो, या video में आपका head knock करके बोल सकते हो yes. इतना enough है, right? Great. चलो next. अब समझो यहाँ पे. मान लो मैं एक दूसरा example ले रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ collection of students. क्या ये सेट होगा? विल दिस फॉर्म अ सेट? आप मुझे बताओ, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स में आप क्या लिख सकते हो? राइट, ओके. जैन यू आर टेलिंग नो. व्हाट इज द रीजन फॉर नो? बोलो, ये सेट क्यों नहीं होगा? सर, सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड. यस, इट इज नॉट वेल डिफाइंड. कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कौन से स्टूडेंट्स? क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कौन से स्टूडेंट्स? कहाँ के स्टूडेंट्स? जेवीएम के स्टूडेंट्स, जेएवी के स्टूडेंट्स, विद्यानगर के स्टूडेंट्स, राइट? अवंती के स्टूडेंट्स, या फिर ये भी कुछ डिफाइन नहीं है. पूरे इंडिया में जितने स्टूडेंट्स है, सारे के सारे स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स? कॉलेज के स्टूडेंट्स. यहाँ पे बी आई टी एम में जाओ, बेल्लार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसके स्टूडेंट्स. एन आई टी के स्टूडेंट्स, आई आई टी के स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो जितनी पॉपुलेशन है उसमें हाफ से ज्यादा तो स्टूडेंट्स ही हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस तरीके से सारी चीजें लिखते जाओगे. एक ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक स्टूडेंट 25 इयर्स की एज तक पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, अपना करियर सेट करता रहता है. तो 25 की एज तक हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. सोचो, जब आप पैदा होते हो, वहां से लेके जूनियर के जी से लेके जब तक आपका एम टेक पी एच डी खत्म नहीं होता, आप स्टूडेंट हो. तो ऐसे करके कितने स्टूडेंट्स के नाम लिखोगे? होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. हाँ या ना? Right. So this is not set here. B is not set since it is not well defined. आपका अच्छे से वो define होना चाहिए. Okay. चलो note down कर दो इसे students quickly. Now take your pen paper. एंड फिर यहाँ पे सिर्फ इतना सेट की डेफिनेशन. एंड जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मॉड्यूल बंद रखो, राइट? वो टाइम पे मॉड्यूल, अदर बुक्स, ये सारी चीजें बंद रखो.
let us resume from here. Now see what is the definition which is given to in the module. आपको कोई डेफिनेशन मगअप करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सारी चीजें कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, राइट? नाउ अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट? तो ये हमने लिखा, उसके अंदर आप ये लिख सकते हो विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए. अ सेट इज डिनोटेड बाय दिस कर्ली ब्रैकेट्स विद द ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास. सेट्स आर यूजुअली डिफाइंड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. मतलब कोई सेट के अंदर आप एलिमेंट्स ऐसे लिख सकते हो ए बी सी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड सेट आपके हो जाएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. यहाँ तक क्लियर है प्रियांशु एवरीवन? ये तो आसान है. जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं. ऑड नंबर्स लेस देन 10, सो इट इज वेल डिफाइंड. ऑड नंबर्स आपको लेने 1, 3, 5, 7, 9 चलता ही जाएगा. कहाँ तक? लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9. वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, तो वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल में आपके कौन कौन से आएंगे बोलो. अब ट्राइंगल आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? आइदर आप एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हो, आइदर आप कौन कौन सी साइड सेम है वहां से डिफाइन कर सकते हो. बोलो कौन कौन से ट्राइंगल आएंगे क्विकली. बोलो नेहा, कोई एक ट्राइंगल बोलो. सर इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल, ओके. तो बोलो अनघा, आपका क्या कहना है? दूसरा ट्राइंगल from sides point of view, पहले sides वाला खत्म कर देते हैं. Right angle will be also there, that will from angle point of view, right? Yes. Yashika, can you tell me next equilateral के बाद कौन सा आएगा? Scalene triangle. Scalene triangle, right? Then Renuka. Isosceles triangle. Isosceles triangle. चलो अब angle point of view से आपाक, right angle के बाद कौन सा आएगा दूसरा? Acute angle triangle. एक्यूट एंगल ट्राइंगल. उसके अलावा और कोई? मनोगना, एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बचा? राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके बोलो. इसके अलावा ट्राइंगल की और कोई टाइप बची? राइट एंगल और साइड पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा और कोई? संपदा, एनी अदर साइड, एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, एनी अदर काइंड ऑफ ट्राइंगल डू यू नो? एनी वन? हर्षन, ध्रुव, नव्या, जॉन, क्रिश, राइट? हो गए. ओमकार, अथर्व, शंकर, ठीक है. तो यहाँ पे सारे ट्राइंगल आ गए. हाँ या ना, कुछ तो बोलो प्लीज, गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? या और बाकी सब आएगा तो आएगा. यस नव्या इज टेलिंग रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल. रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल राइट आइसोसेलियस. हाँ राइट आइसोसेलियस. राइट आइसोसेलियस, अच्छा वो उन दोनों का मतलब इस तरीके से तो फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट? राइट आइसोसेलियस ट्राइंगल एंड ऑल दैट. बट रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल, आर यू श्योर नव्या? रिफ्लेक्स एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अच्छा यू आर टेलिंग टाइप्स ऑफ एंगल्स. यस ओके. यहाँ पे आपका ये हो जाएगा नेक्स्ट. ओके द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए आई ओ यू, कॉन्सोनेंट्स भी आप ले सकते हो. The solution of the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0. आपका favorite chapter, quadratic equation, हाँ या ना? इसके solution में आपको मिलेंगे 2 and 3, right? So that is also one kind of set. बाकी के example देखो जो आपको दिए गए हैं students. Some examples of not well defined sets are set of young people. Now young मतलब अब किस तरीके से define करेंगे young? Some people are at the age of 35, 40. अभी सलमान खान है, 50 साल के होने के बाद भी बोलते हैं सीटी मार मार मार, right? तो भी बोलेंगे आई एम यंग, हाँ या ना? तो यंग में फिर आप किसको डालोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज 20, 25, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, ऐसा कुछ बोला है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? सो रहे हो ना सब आराम से? ठीक है. सो यू ऑल आर नॉट यंग पीपल, क्योंकि जो यंग पीपल है वो स्ट्रेट बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, पूरा रिप्लाई करते हैं. यंग पीपल के से मिलने का मजा आ जाता है, उनसे मिलकर सब पूछते पूछते हैं कि क्या बोलते हो, कैसा चल रहा है. अरे वो बोलते हैं जक्कास, एंड आप सब तो मस्त आराम से सो रहे हो वीडियो ऑफ करके, या वीडियो ऑन है तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो. तो सेट ऑफ यंग पीपल बोलो, आप सब आओगे सेट ऑफ यंग पीपल में? यस और नो? क्या आप सब आओगे यहाँ पे? यस सर. हाँ तो वो आने के लिए रिप्लाई करना पड़ेगा अच्छे से. यस जो बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप्स में सिखाया जाता है. जो 60 साल के लोग होते हैं उनको बोला जाता है आप 16 साल के तरह बैठो. अब वो वाले बड़े बड़े वर्कशॉप जो कंडक्ट करते हैं उनको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखो ये मेरे 16 साल के स्टूडेंट्स हैं जो अभी ऑनलाइन क्लास में ऐसे बैठे हैं, तो वो बेचारे टेंशन में आ जाएंगे.
Are you getting my point? Yes or no? Right. So if you are 16, sit like 16, not like 60. Sit straight and give response like 16. So set of young people, it is not the set. Set of good students in a class. अब good student को मैं कैसे define करूँगा? जो मुझे हर बार reply देता है उसको, हर रोज मुझे homework दिखाता है उसको, या हर exam में 50 के above marks आ रहे हैं उसको, हाँ या ना? So there is not any particular definition of good student. So these are not your perfect example. Is this clear? Right? तो ये आपको मॉड्यूल में दिया गया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. Right? ये आप मॉड्यूल में ही अगर आप इसमें कुछ मार्क्स करना चाहो तो कर सकते हो. नाउ इसके बाद हम देखने वाले हैं कि सेट के रिप्रेजेंटेशन. जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, हम सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं. सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म. बट वो पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम आप सबको याद होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. डू यू रिमेम्बर द नंबर सिस्टम? आया ना? वो एग्जैक्टली जब हम नंबर सिस्टम लिखते थे ना स्टूडेंट्स, वो नंबर सिस्टम भी आपके अलग अलग सेट से ही है. रेशमा, संप्रीता, पता चल रहा है? वो नंबर सिस्टम भी आपके सारे अलग अलग सेट्स हैं. और पर्टिकुलरली आई कैन से सेट्स ऑफ नंबर सिस्टम. ये जो आपके सेट्स हैं राइट, ये सारे आपके नंबर सिस्टम. चलो समझाता हूँ यहाँ पे. एज फॉर एग्जाम्पल आपको याद है नेचुरल नंबर्स को आप लिखते थे एन, 1, 2, 3, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते थे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? ठीक है, नहीं कसम खा के बैठे हो ना, रिस्पॉन्स देना ही नहीं है. हाँ, बहुत कम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, बट हाँ सर. हाँ यस, हाँ मतलब किस में? हाँ कि कसम खा के बैठे हो, हाँ कि रिस्पॉन्स देना नहीं है, कि एन मतलब नेचुरल नंबर्स होता है उसमें. हाँ Yes, मतलब well, summer, yes, n is your natural numbers, Vivek, Varun. Is this clear, everyone? Right? So, n is your natural numbers, 1, 2, 3 to infinity. मैं बताऊंगा अदनान क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है. Okay, next. इसमें से कुछ नहीं लिखना है, जो ये definition और ये यहाँ पे हमने discuss किया, इसमें से कुछ नहीं लिखना है. ऊपर वाला आपने लिख दिया, and जब भी लिखना होगा, मैं time दूंगा, ये लिखना है, अभी ये लिखो. Okay. नेचुरल नंबर्स के बाद आपने कुछ और पढ़ा था, बोलो. नेचुरल नंबर्स के बाद कौन से नंबर सिस्टम पढ़े थे? बोलो संप्रीत. हाँ ओके, होल नंबर्स. होल नंबर्स को मैं ऐसे बोलता हूँ, सेट ऑफ होल नंबर्स. ओके, इंटीजर्स. सो रेशमा कैन यू टेल मी इंटीजर्स में क्या आता है? इंटीजर्स को हम आइदर डिनोट कर सकते हैं आई से या जेड से, राइट? जेड भी इंटीजर है, आई भी इंटीजर है. बोलो रेशमा, इंटीजर में क्या क्या आएगा? इस रेशमा देयर -1, -2, -3, करेक्ट. चलो इंटीजर्स के बाद आपने क्या पढ़ा था, बोलो विवेक. इंटीजर्स के बाद रैशनल और इरेशनल. ओके, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर का सेट होता है क्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर? या उसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत जो आपको याद हो. रैशनल नंबर क्या होता है टेरेंस? You can unmute yourself and you can tell me. Suhan, rational numbers? Sir, they can be represented in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and they both are co-prime. Yes. नहीं, दोनों co-prime ऐसा जरूरी नहीं है, समझना. 4 by 6 भी rational number है. Simplify होके 2 by 3 होगा, means both are same. तो यहाँ पे condition आपकी वही आएगी. कि द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेर पी इज ऑल्सो इंटीजर, क्यू इज ऑल्सो इंटीजर. ये दोनों आपके इंटीजर है, पी इज ऑल्सो इंटीजर, क्यू इज ऑल्सो इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट्स इट, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. इज दिस क्लियर? राइट, डेफिनेटली दे कैन बी को प्राइम, दे कैन नॉट बी को प्राइम. 4 बाई 6 भी आपका रेशनल नंबर है, सिंप्लीफाई करके 2 बाई 3 हो जाएगा. समर्थ, जैन, राइट, वरुण, प्रीति, विवेक, यहाँ तक क्लियर है? अब उसको अगर मैं ऐसे सेट फॉर्म में लिखने जाऊं तो सेट फॉर्म में मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा, राइट? क्योंकि ये दो रेशनल नंबर या दो इंटीजर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? टेल मी, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर लाइंग बिटवीन टू इंटीजर्स? इनफाइनाइट, राइट? तो वो सारे इनफाइनाइट नंबर्स तो मैं कब लिखने जाऊंगा? दिन से रात हो जाएगी, आपका 11th खत्म हो जाएगा, 12th खत्म हो जाएगा, जेई 2023 आके चला जाएगा, एंड वो इनफाइनाइट सीरीज हमारी खत्म ही नहीं होगी. हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो टाइम पे सेट को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है.
अब ये दूसरा फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक ये जो सारे फॉर्म हमने लिखे, ये सारे फॉर्म हमने लिखे, ये एन जेड डब्ल्यू, इन सबको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, राइट, जिसमें आप सारे एलिमेंट को सेपरेटली लिखते हो। ये तीनों फॉर्म में आपके रोस्टर फॉर्म, ये बताऊंगा मैं आपको कब लिखना है क्या लिखना है, अभी सिर्फ समझो। दिस इज रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सभी एलिमेंट्स को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। अभी जो ये क्यू मुझे लिखना है, रैशनल नंबर्स मुझे लिखना है, समझना, वो रैशनल नंबर्स को मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने जाऊंगा इनफाइनाइट नंबर से खत्म ही नहीं होंगे, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स कैसे लिखना है, दैट इज नॉट गुड ऑप्शन हियर, राइट। सो समझो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने के लिए कंडीशन ऐसे दी जाती है, क्यू कंटेन्स एलिमेंट्स एक्स, उसके बाद हम एक स्लैश करते हैं, आप इसे बैक स्लैश भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्लैश भी कर सकते हो, हम वर्टिकल स्लैश करते हैं। ये वर्टिकल स्लैश का मतलब होता है सच दैट, अलग अलग बुक्स में ये स्लैश आपको अलग अलग मिल जाएगी, जैसे कुछ बुक्स में ये आपको वर्टिकल स्लैश मिल जाएगी, कुछ बुक में ये आपको सिर्फ दो डॉट मिलेंगे, राइट, कुछ बुक्स में आपको सिर्फ दो डॉट मिलेंगे, सो आइदर वर्टिकल स्लैश या दो वर्टिकल स्लैश या दो डॉट, सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। मैं ऐसे सारे एक्स लिख रहा हूँ जिसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, पी बिलोंग्स टू आई, क्यू बिलोंग्स टू आई। ये बिलोंग्स टू पता है आपको स्टूडेंट्स, ये सिंबल पता है बिलोंग्स टू, बोलो ना, नहीं पता है ना, पता है, राइट, ये पहली बार देख रहे हो ना, एक्सेप्ट फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जो फाउंडेशन देख चुके हैं, राइट, फाउंडेशन में ऑलरेडी। सो दिस इज योर न्यू स्टूडेंट, बिलोंग्स न्यू सिंबल बिलोंग्स टू, वो मैं समझा रहा हूँ, एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ना अब समझो यहाँ पे, मीन वाइल वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग विवेक, सर रोस्टर मीन्स वॉट? रोस्टर का कोई मतलब नहीं है, जस्ट द थिंग इज कि सबसे पहले, अब ये ऐसा था जब स्टार्टिंग में मान लो दुनिया में लोग आए थे, राइट, अभी तो क्या है, अगर मान लो ये घर पे आपको रहना है तो आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, या ये घर आपको, जमीन आपको खरीदनी पड़ेगी, जो खरीदेगा उसकी जमीन होगी, एंड फिर या अगर इधर आप नहीं खरीद रहे हो तो रेंट पे रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब सभी जगह पे लोग आए थे पूरे वर्ल्ड में, तो भगवान ने जो भी था, राइट, भगवान खुदा आप जो भी नाम दो, दैट सुप्रीम पावर, उन्होंने ऐसा फिक्स तो नहीं किया था ना कि ये जमीन पर्टिकुलर नेहा की है, ये जमीन आफाक की है, ये जमीन अनका की है, आया ना, क्या फिक्स किया था? नहीं, द थिंग इज पहले, पहले नेहा पहुंच गई, नेहा ने मार्क कर दिया ये जमीन मेरी है, इधर और कोई नहीं आएगा। फिर आफाक पहुंच गया उधर, आफाक ने बोल दिया ये जमीन मेरी है, इधर कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो, आया ना? इस तरीके से डेफिनेटली जमीन के रूल हुए होंगे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये पूरा सब शुरू हुआ था तो इसके ऊपर अलग अलग रूल भी बनाए थे कि जो डिगिंग करेगा जमीन उसकी, जिसने पहले डिगिंग कर दिया जमीन उसकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, खेड़े तेनी जमीन, ऐसा सब अलग अलग रूल थे। तो अब समझो यहाँ पे, इन अ सेम वे, अब ये जो सेट के फॉर्म थे ये आपसे पहले ना रोस्टर भाई साहब ने देख लिया कि सेट का इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, एंड रोस्टर मैथमेटिशियन ने अपना नाम दे दिया कि ये रोस्टर फॉर्म है, इसीलिए आप उसे पढ़ रहे हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, दैट्स इट। हाँ सर। हाँ, तो अगर अदनान आप पहले वहां पे होते तो आपका नाम होता, आज हम पढ़ते होते अदनान मेथड, बट पहले वहां पे पहुंचे थे रोस्टर। क्या पता आप रोस्टर मैथमेटिशियन का ही पुनर्जन्म हो, आया ना, हु नोस, बाद में देखेंगे वो सारी चीजें। अब बिलोंग्स टू, सच दैट, ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अभी के लिए सारी चीजें सस्पेंस आप मान के छोड़ सकते हो, या समझना है तो अभी भी समझ सकते हैं, समझना। ये बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है आपका ई, हम इस तरीके से ई लिखते हैं, ई को हम लिखेंगे लाइक दिस, कर्व बना देंगे और स्ट्रेच करेंगे, देन दिस सिंबल विल नोन एज बिलोंग्स टू। नाम ही उसका रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग टू मतलब क्या, ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, मतलब ये बिलोंग्स टू सिंबल कहाँ पे यूज होता है? दिस बिलोंग्स टू सिंबल इज यूज बिटवीन एन एलिमेंट एंड एन सेट। अगर एक एलिमेंट एक सेट के अंदर है तो मैं बोल सकता हूँ वो एलिमेंट वो सेट में बिलोंग कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं बोल सकता हूँ फाइव बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? टेल मी, क्या फाइव नेचुरल नंबर है? हाँ या ना?
can I tell that zero belongs to whole numbers? Right? Zero whole number hai. Roshni, Anaga, right? In the same way, can I say that minus 3 is integer? Afak, right? Adnan, Navya, Vivek, Shankar, Samarnika, right? So, yahin pe aapka kaam khatam ho jayega. That's it. So, this is the meaning of belongs to symbol. It can be used between any element and any set. That's it. अब जब मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ दिस पर्टिकुलर फॉर्म जिसमें अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म किसी मैथमेटिशियन के नाम पे नहीं है राइट. सेट बिल्डर अब वो जैसे बॉब द बिल्डर आप कार्टून देखते होंगे शायद या आपके छोटे भाई बहन देखते होंगे लाइक दैट ओनली. बॉब द बिल्डर घर बनाता है सेट बिल्डर सेट बनाता है सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बनाने के लिए आप सर्टेन रूल्स वहां पे लिख देते हो रूल्स या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिखते हो राइट. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली ऐसा लिखा जाता है x सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ x x की आपको एक प्रॉपर्टी लिखते हो राइट. प्रॉपर्टी मीन्स जो पर्टिकुलरली वो x ही फॉलो करे. जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर एक ही प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करते हैं कौन सी बोलो. p by q form, p by q form. अरे मजा आ गया वाह क्या तो रिस्पॉन्स आया फाइनली सब जग गए वाह. So P by Q form, set builder form here x such that x equal to P by Q, P belongs to Q, Q belongs, sorry, P belongs to I, Q belongs to I and Q is not equal to zero. Can I say this is your property of rational number? Hi Anna, everyone. Yes, sir. Yes, sir. But your property of rational number. So साथ में आपका set builder form और roster form भी clear हो गया. But थोड़े और example देखते हैं. चलो rational numbers के बाद आपने कौन से number देखे थे? इरेशनल नंबर राइट. इरेशनल नंबर का सेट जाना जाता है टी के नाम से. बोलो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? Who will tell me this? बोलो चिन्मय इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? Sir, the number which cannot be represented represented in the form of p by q. Yes, which cannot be represented in the form of p by q. या जो numbers जो आपके रेशनल नंबर नहीं है. Now Terence is telling sir the numbers which cannot be terminated. No, that is half definition. अगर आप डेसिमल एक्सपांशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो डेसिमल एक्सपांशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास थे बाय द टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग याद है हाँ या ना राइट. दिस इज बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपांशन. अब इसमें से आपका रेशनल कौन सा था और इरेशनल कौन सा था? सो योर रेशनल विल बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर्स. And non-terminating, non-repeating will be your irrational number. Irrational number ka P likh sakte ho, right? So this is based on decimal expansion. So particular property or particular definition of irrational number is X, such that X cannot be represented in the form of P by Q, where P belongs to I, Q belongs to I, Q is not equal to zero. I ki jagah aap Z bhi likh sakte ho. Yahan tak clear hai irrational number everyone, right? Finally, aapne ek aur number system padhi thi. Pragna, wo kaun si number system thi? रियल नंबर्स. ओके अमित रियल नंबर्स कैसे डिफाइन है? रियल नंबर्स कैसे डिफाइन है? साइलेंस क्यों हो गए? क्या मेरा नेट नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन. हाँ वन बाय वन. Yes, mixture of rational and irrational number, right? And Atharva, aap kya bol rahe the? The number which can... numbers which can be represented on number line, sir. The numbers which can be represented on number line. Okay. Exactly, real number ki wo definition nahi hai. Wo ek Cartesian ne ye compare kiya tha ki real numbers infinite hai, number line pe points infinite hai. To sare infinite numbers ko hum infinite points ke sath connect kar sakte hai. So all real numbers can be represented on number line, right? So real numbers are nothing but your combination of rational number as well as irrational number. Rational or irrational ko jab main combine karunga to real number ho jayega. Haan ya na? Please give me some response. Yes or no? Yes sir. Right? Rational plus irrational. In dono ko combine karunga to real number aa jayega. Sare ke sare number aa jayenge. Ananya clear hai? Priyanshu, Manogna. Right. Ab yahan pe plus ke liye kuch aur aayega. Yes. Okay. Sir clear hai. ओके अब सेट में प्लस की जगह पे कुछ और लिखा जाता है. सेट में प्लस की जगह पे लिखा जाता है यू राइट. अब ये यू क्या है यूनियन क्या है
सस्पेंस, वो सस्पेंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए सस्पेंस. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये सस्पेंस आपका ओपन होगा नेक्स्ट क्लास में. आप सोच सकते हो ये क्या हो सकता है लाइक दैट, या जो फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं यूनियन, उन्हें जो पता है, तो उस तरीके से. अब आपको क्या लिखना है, बीए लिखना है आपको आपके नोट्स में. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आपके फॉर्मूला बुक में सारी चीजें लिखो, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही सेम लिखो. ओके, सो सी हियर एवरीवन, जैसे रोस्टर फॉर्म है यहाँ पे आपका, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, राइट? दैट यू कैन राइट फ्रॉम हियर, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. In this method, the set is described by listing all elements separated by commas within the brackets, I can say particularly, right? Next, यहाँ पे the set of all vowels, जैसा हम already देख चुके हैं. अब यहाँ पे belongs to or does not belong to symbol आपका explain किया गया है. जैसे A is vowel, so here A belongs to A, but B is consonant, so B does not belong to A. Is this clear? जैसे ये symbol का नाम हो गया belongs to, ये सिंबल का नाम हो गया डज नॉट बिलोंग टू, राइट? इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू, मतलब क्या पढ़ चुके हो, इंग्लिश ग्रामर, बिलोंग्स को अगर नॉट करना है तो डज नॉट बिलोंग करोगे, ये तो आपको पता ही है, हाँ या ना? अगर बिलोंग होता तो डिड नॉट बिलोंग करोगे, तो वो बस नॉर्मल चीज है. सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस मैटर वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल बाई विच, और द रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाई taking the rule or which are following the rule. Rule या जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था property, यहाँ पे लोग लिख रहे हैं rule. जैसे यहाँ पे इन्होंने सारे numbers लिखे हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. अगर इन सब को आप ध्यान से observe करो तो ये सारे के सारे 42 के factors हैं. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है x, x is a natural number which divides 42, right? और which is factor of 42. यही मतलब हुआ ना, जो 42 को divide कर रहा है या 42 का factor है. Please give me some response everyone. Quickly, come on, quickly, tell me, yes. Yes, sir. Yes, sir. 4, 5, 6, 7, 9. Very good. So, ये आपके natural numbers हैं जो 3 और 10 के बीच के हैं, right? So, the numbers which are lying between 3 to 10, or आप ऐसे लिख सकते हो, which are lying between 4 to 9, where 4 or 9 are included, right? Less than or equal to means 4 or 9 include होगा. Less than means आपका 3 or 10 include नहीं होगा. Is this clear, everyone? Right? आसान है. अब इसमें से आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ. जैसे ये नाम लिख दो बस, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म, एंड डज नॉट बिलोंग टू वाला लिख दो, दैट्स इट. एंड यहाँ पे जहाँ पे मैंने उधर प्रॉपर्टी लिखा है, वो प्रॉपर्टी की जगह एक रूल लिख सकते हो, लाइक दैट, प्रॉपर्टी की जगह रूल, दैट्स इट. उतना बस आप लिख दो उसी में मार्क करके, फिर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं थोड़ा क्विकली. नेक्स्ट चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, इंटरवल. Now, who will tell me what do you know about interval? So, yes, Prasasti is telling ki sir, hum movie dekhne jaate hain, to phir beech mein jo interval aata hai wo, right, Prasasti? Break. हाँ, break. क्या अभी JMAX cinema आपका open होने वाला था? छोटा max. हाँ. हाँ, yes, Athar. So time gap. कुछ भी, जब आप मूवी देखने जाते हो तो इंटरवल आपको मिलता है, राइट? इंटरमिशन या इंटरवल, तब रियल हीरो या विलन की एंट्री होती है, एंड फिर हो जाता है इंटरमिशन वो बोलते हैं, या फिर कुछ भी, या फिर कभी कभार आराम से बोल देते हैं इंटरवल. जैसे आप सब वेट कर रहे थे कि KGF 2 आएगा, JMAX में देखने जाओगे, बट कोरोना का सेकंड वेव आ गया एंड KGF 2 दूर रह गया. सो सी हियर, तो इन शॉर्ट आई कैन से कि कोरोना के सेकंड वेव ने KGF को ही इंटरवल दे दिया, राइट? KGF 2 को इंटरवल दे दिया कि अभी थोड़ी देर बाद ही रिलीज हो जाओ. बहुत सारी मूवीज हैं जो KGF या कोरोना के वजह से रिलीज होने में बहुत लेट हो गई, एक एक साल बाद रिलीज हो रही है, या डेढ़ साल, आई कैन से. फास्ट एंड शेरलॉक होम्स 3. हाँ, शेरलॉक होम्स मूवी आने वाली थी, श्योर? दिसंबर को आने वाली है. अच्छा, फास्ट 9, ब्लैक विडो, राइट? जैसे यहाँ पे मार्वल का करा ना, हाँ तो आ गया. हाँ सर, हाँ सर.
देखो स्टिकर तो पहले से ही वो ब्लैक विडो आए उससे पहले ही वो जेमएक्स में उसको बोल के ही रखा है कि पांच टिकट तो मेरी फिक्स है राइट सारे नहीं सर एक ही टिकट है ये सब पता है मुझे स्टिकर एक बार देखने से पेट थोड़ी भरेगा आपका राइट हाँ तो चलो अब देखते हैं भगवान करे कि ये सेकंड वेव कोरोना के जल्दी जल्दी खत्म हो जाए आपके सपने जल्दी पूरे हो हाँ एंड सुहास इज टेलिंग लोकी हाँ उसको तो भाई अब हाँ एक्चुअली मार्वल के सीरीज जो उन्होंने शुरू किए डिज्नी प्लस पे वो भी लेट हुए बट चलो उसमें तो उनका अच्छा खासा भी बिजनेस चल ही रहा है ओके तो चलो शुरू करते हैं इंटरवल अब मैथ्स के टर्म में इंटरवल पढ़ लेते हैं तो मैथ्स के टर्म में इंटरवल कैसे पता है कैसे डिफाइन किया जा सकता है किस टाइप के इंटरवल हो सकते हैं क्या हो सकता है वो सारी चीजें समझते हैं जैसे अथर्व बता रहा था कि सर हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट अथर्व आपने मुझे बताया रे रियल नंबर हाँ सर बताया था अब ये पूरी नंबर लाइन है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं अब वो इनफाइनाइट नंबर्स में से मैं सिर्फ कोई दो पॉइंट कर रहा हूँ जैसे आपने बोला ना टाइम ब्रेक बिटवीन टू थिंग्स और दो पीरियड के बीच का टाइम या कुछ भी सो अगर मैं दो नंबर ले रहा हूँ ए और बी तो क्या आप मुझे बताओगे ए और बी के बीच में कितने नंबर्स होंगे सर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इनफाइनाइट नंबर्स तो ये ए और बी के बीच के जो इनफाइनाइट नंबर्स का मैं अलग से सेट बनाऊंगा ये सारे के सारे नंबर्स लिख रहा हूँ ए और बी के बीच में एंड उसका मैं अलग से सेट बनाऊंगा तो उसे बोला जाता है इंटरवल इज दिस क्लियर राइट यस अब ये इंटरवल दो टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स आइदर ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल क्यों ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल क्योंकि हमने ये तो बोला कि ए और बी के बीच में है बट ए और बी को इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है ये हमने नहीं बोला Are you getting my point? आया ना? Right. Suppose मैं A और B को include, Yes, sir. मैं A और B को include नहीं कर रहा हूँ. So A included नहीं है, B included नहीं है. A और B के बीच के सारे numbers हैं. या फिर मान लो मैं A और B को include भी कर रहा हूँ. A is included, B is included. ये A और B के बीच के सारे numbers हैं. Is this clear everyone? आया ना? Yes, sir. ए और बी के सारे नंबर्स हैं उधर इधर ए और बी के सारे बीच के सारे नंबर्स हैं तो कैन आई से दैट हाँ यस याशिका यस ये भी आप पढ़ चुके हो फाउंडेशन में याशिका यू आर टेलिंग ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल तो जब आप ए और बी को ओपन रखते हो इसे बोला जाता है ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी आपके ओपन है इसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो उसका सिंबल है ओपन इंटरवल ए टू बी राइट ये आपके स्मॉल ब्रैकेट्स ए टू बी इसका मतलब है ओपन इंटरवल ए टू बी एंड इसके अंदर हम कौन कौन से x को इंक्लूड करेंगे x सच दैट a लेस देन x लेस देन b x बिलोंग्स टू r ऐसे सारे रियल नंबर इंक्लूड करेंगे जो a और b के बीच में होंगे वेयर a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड इज दिस क्लियर एवरीवन लिखने का टाइम दूंगा अभी मत लिखो अभी पहले समझो एंड द मोमेंट व्हेन यू आर इंक्लूडिंग a एंड b बोथ हाँ यस प्रज्ञा आई नो राइट And thank you for information. So closed interval, वो तब होगा जब आप A और B दोनों को include कर रहे हो. So this will be your closed interval AB, where x such that A less than or equal to x less than or equal to B, x belongs to R. Is this clear, everyone? Open interval AB, closed interval AB. A less than x less than b, A less than or equal to x less than or equal to b. यहाँ तक clear है? You can tell me yes. Please give me some response. Main ये है open interval और closed interval. अब इसके अलावा आप इसमें open and close का अलग अलग combination भी कर सकते हो जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ open interval a to close interval b. Right? Close interval a to open interval b. बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं हाँ या ना okay. हाँ सर लिख सकते हैं इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी का मतलब क्या हो जाएगा ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी ओके सो क्विकली नोट डाउन दिस एवरीवन सो दिस इज अबाउट योर इंटरवल अब से कोई अगर आपको पूछे इंटरवल क्या है अब आप आंसर क्या दोगे राइट नाउ यू आर जेई स्टूडेंट्स अब आपको वो नहीं बताना है जो मूवी में इंटरवल या इंटरमिशन आता है नाउ यू विल टेल दिस This is the interval. Sir, can you repeat? Yes. क्या repeat करूँ? Sir, और एक interval. Internal का definition. हाँ? Internal का definition. Who is speaking first? एक minute. I cannot see from chat box. Who sir, is? हाँ.
अदनान हाँ अदनान बोलो आपको क्या चाहिए अदनान डेफिनेशन सर एक क्लोज्ड इंटरवल का और एक बार एक्सप्लेनेशन ओपन इंटरवल आपको पता चला अदनान हाँ सर क्या आप मुझे बोलो कि ओपन इंटरवल क्या है ओके सर हाँ नहीं आप बोलो आप बोलोगे तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा क्लोज इंटरवल क्या है आप पहले मुझे बताओ ओपन इंटरवल क्या है आपकी लैंग्वेज में आपको जो पता चला आपके वर्ड्स में सर ओपन इंटरवल नहीं पता चला ओपन इंटरवल करेक्ट ओके टेरेंस चलो मैं समझाता हूँ वापस राइट टेरेंस मैं एक बार वापस करता हूँ सी इंटरवल का स्पेसिफिक डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक डेफिनेशन इज दिस ओनली दिस इज हाउ योर इंटरवल इज डिफाइंड ओपन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी ऐसे ही डिफाइन है आप कोई भी दो नंबर ले रहे हो नंबर लाइन पे ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स उठा रहे हो अब आपके पास दो ऑप्शन है वेदर यू आर टेकिंग ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी बोथ और एक्सक्लूडिंग ए एंड बी बोथ इफ यू आर टेकिंग ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी देन दैट विल बी योर क्लोज इंटरवल Where a less than or equal to x less than or equal to b, you are taking all the x which are between a and b. Open interval means you are taking all the x which are between a and b, where a is also excluded, b is also excluded. आप a और b को नहीं उठा रहे हो open. a और b को नहीं उठा रहे हो उसके बीच के सारे element उठा रहे हो. As for example, मान लो a आपका 2 है, b आपका 3 है. तो ये open interval में element कहाँ से शुरू होगा? The immediate next number, immediate next number after 2, immediate next number after 2 will be what? 2.00000001, हाँ या ना? 2.00000000, so on 1, that will be immediate after next number of 2 or not? Please give me some response, everyone. And what will be last number of this open interval if it is from 2 to 3? Last number will be 2.99999999, so on. Is this clear? But yes, if you are taking close interval then, the first number will be 2, last number will be 3. 2.001, 2.999, वो सब उसके अंदर आ जाएगा. यहाँ तक clear है? Adnan, Terence, अभी clear? हाँ sir. हाँ. Sir, वो x के बाद उन दो dot का मतलब क्या है? Such that, वो ये वाला form मैंने समझाया है ना, set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं एक्स सच दैट आइदर हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे राइट या फिर ये डॉट लिखेंगे लाइन या डॉट दोनों का मतलब क्या है सच दैट दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ओके ओके सर थोड़ी स्पीड बढ़ाना स्टूडेंट्स थोड़ी स्पीड बढ़ाओ चलो हो गया सबका एवरीवन इसके अलावा अब हमें और भी बहुत सारी चीजें करनी है राइट इसके अलावा अब हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है वो करते हैं वन बाय वन अदनान आपका कोई फ्रेंड है इसमें क्लास इलेवेंथ में अदनान हाँ सर कौन है सर टेरेंस टेरेंस जैन जैन पेरेंट्स क्या आप अदनान को सारे गूगल क्लासरूम कोड भेज सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जितने भी हैं भेज दूंगा सर ओके थैंक यू टेरेंस ओके अदनान ओके सर थैंक यू सर ओके नाउ समझो इसके बाद भी बहुत सारी थियरी है जो हमें पढ़ने हैं और अलग अलग डेफिनेशन पढ़नी है बट द थिंग इज अगर सिर्फ सारा थियरी करते रहेंगे तो आप बोर हो जाओगे सो बेटर थोड़ा थियरी उसके थोड़े क्वेश्चन अगेन थोड़ी थियरी थोड़े क्वेश्चन इस तरीके से हम जाएंगे इज दिस क्लियर एवरीवन तो अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ी सेट की डेफिनेशन
उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे उसे लिखा जाता है, किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटरवल क्या है, ये तीन चार चीजों के बेसिस पे से हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। सो रेगुलर बुक 2.1c, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी, राइट, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि इतना स्लो नहीं चलेगा, इतने स्लो में फिर हमारा जेई 2023 नहीं, जेई 2024 देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो हाँ सर। यस, स्पीड इंक्रीज होगी। जब आप आपके मॉड्यूल में देखोगे स्टूडेंट्स, मॉड्यूल में तीन एक्सरसाइज हैं, प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क एक्सरसाइज। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अवंती के, उन्हें पता है कि इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क एक्सरसाइज मॉड्यूल में होता है जनरली, यहाँ पे आपको तीन मिलेंगे, प्री रीडिंग, इन क्लास एंड होमवर्क। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि तीन लेवल, दो लेवल आते थे क्लास 10 तक, लेवल 1 लेवल 2, अब तीन लेवल आएंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इन क्लास एक्सरसाइज एज वेल एज होमवर्क एक्सरसाइज, तीनों मिला के। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड अब समझो ये किस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे आप कभी बाहर डिनर करने जाते हो, जैसे इओन हो गया या कोई भी अलग रेस्टोरेंट हो गया, राइट, आपका स्पाइस बॉक्स हो गया, कैसे शुरुआत करते हो मनोगना, सबसे पहले क्या मंगवाते हो? शाबाश। सो प्री रीडिंग एक्सरसाइज इज नथिंग बट योर स्टार्टर्स, राइट, जिसमें स्टार्टर्स में हम क्या मंगवाते हैं, हल्का फुल्का खाना, जिससे हमें थोड़ा और भूख लगे, हाँ या ना, या थोड़ा बहुत जब तक आप मेन कोर्स का इंतजार कर रहे हो। सो स्टार्टर्स में आप यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्री रीडिंग एक्सरसाइज इनिशियली मैं प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, उसके बाद ये सारी प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपको घर से ही करनी है। इज दिस क्लियर? बोलो हाँ, राइट, जैसे आज क्या तो मैं कराऊंगा प्री रीडिंग एक्सरसाइज। इन क्लास एक्सरसाइज विल बी योर मेन कोर्स, स्टार्टर के बाद आप मेन कोर्स मंगवाते हो, राइट, एंड में आप क्या मंगवाते हो अनन्या, जब पूरा खाना खत्म हो जाए फिर एंड में क्या मंगवाते हो? डेजर्ट। अनन्या बोले कि सर एक तो बाहर जा नहीं रहे, पूरा घर पे कैद, घर पे खा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, सर दिस इज डेजर्ट, क्योंकि घर पे आप ये सारी चीजें आप बना सकते हो ना। सो मम्मी को ऑर्डर मत करो, खुद हेल्प भी करो मम्मी को बनाने में। सो भावना, ये डेजर्ट आप घर से खा सकते हो, राइट, डेजर्ट एंड स्टार्टर विल बी योर होमवर्क ओनली एवरीवेयर, हर एक एक्सरसाइज में आपका डेजर्ट एंड स्टार्टर होमवर्क होगा, मेन कोर्स में आपको यहाँ पे खिलाऊंगा। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, बोलो हाँ, टेल मी यस। हाँ सर। थैंक यू। एंड सिंस आज पहला क्लास है, तो आज का स्टार्टर मेरी तरफ से, ओके, तो आज का प्री रीडिंग एक्सरसाइज मैं खुद करवा रहा हूँ। प्री रीडिंग एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन है वो देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 को मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। Can you see this pre-reading exercise on screen, everyone? बोलो हाँ, right? P-R-E, pre-reading exercise. Question number 1, let A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belong to in the bracket space. बोलो, क्या phi यहाँ पे belongs to होगा? हाँ सर। हाँ, thank you. Yeah. Will belong to A. Okay. Now you'll ask respective student, जिसका नाम दूंगा वो मुझे बताएगा, right? So, Varun, bolo, 8 belongs to A ki does not belong to? Varun, are you there? No. Then, Suhas, bolo yahan pe, 0 belongs to A ki does not belong to? Sir, does not belongs to. Yes, does not belong to, does not belong. Belongs or does not belong, right? See, ऐसा बोला जाता है कि 70% IITians are lacking communication skills. तो अभी से थोड़ा उस पे मेहनत करो. Okay, next. श्रीकर, बोलो, 4 के लिए क्या आएगा? Okay, I think श्रीकर सो रहा है. नहीं सर, नहीं सो रहा हूँ. लग रहा है? हाँ. आवाज आ रहा है. क्या होगा श्रीकर? Does not belong to, correct? 4, है ना? देखने दो सर. ओके, देख रहे हो, देखो आराम से।
समर्थ तब तक आप मुझे बता सकते हो समर्थ क्या आएगा? बिलोंग्स. वेरी गुड. हाँ सर बिलोंग्स टू आएगा. ओके शेखर ने देख लिया तब तक. ठीक है शेखर नेक्स्ट. अभी नेचुरल नंबर्स आपको दिए गए हैं ए 1 2 3 2 4 6 8 10 है बी 1 3 5 6 7 8 है. State whether each of the following is true or false and give reason for your answer, right? So one by one true is okay. Speaker, आपने किसी का चांस खा लिया, no problem. अब मैं जिसका नाम दूंगा वही बताएगा. So one is true because two belongs to A. Now second, Reshma, can you tell me second में क्या आएगा? Sir, false. False. Reason? Sir, 11 does not belong to B. Very good. प्रियांशु थर्ड में क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू. ट्रू. जैसा कि मैंने आपको बोला था प्री रीडिंग एक्सरसाइज में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे फुद्दू से क्वेश्चन होते हैं वही है. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ सर. सर मुझे समझ नहीं आया. किसे समझ में नहीं आया? अदनान. अदनान आपने बोला था? एक बार वापस रिपीट करो किसे समझ में नहीं आया? सर मैं पहले वाले क्लासेस अटेंड नहीं किया था ना समझ नहीं आया. इसको पहले वाले क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है अदनान. पहले वाले क्लासेस में कुछ हुआ ही नहीं है. आज से ही सब शुरू हुआ है. And don't worry Adnan, ये सारी चीजें recording हो रही है. आप recording वापिस देखना. Okay. आप वही हो ना जिनसे विष्णु सर ने कल शाम को बात की थी, right? Yes sir. Okay. एक विवेक वो मैं बताऊंगा कब क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा. ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज अब इसमें आपको सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. ये आप आपके मॉड्यूल में ही टिक कर सकते हो राइट. ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ये सब लिखने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. नाउ कंसिडर द सेट. अभी नल सेट वो तो मैं आपको समझाने वाला हूँ. अभी ये क्वेश्चन थ्री डिपेंड करेगा हमारी बात की थियरी पे. तो अभी के प्री रीडिंग एक्सरसाइज में ये दो काफी है जितनी थियरी अभी हमने देखी है. नाउ लेट अस सी इन क्लास एक्सरसाइज. प्री रीडिंग एक्सरसाइज या आप मॉड्यूल में ही डायरेक्टली टिक कर सकते हो राइट. या फिर अभी के लिए जिन लोगों को मॉड्यूल नहीं मिला है आपके पास सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है तो आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख दो प्री रीडिंग एक्सरसाइज की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन सब के सिर्फ आप आंसर लिख दो डायरेक्टली कि फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका क्या फॉल्स ट्रू होगा राइट. रेगुलर बुक में ये सब आपको रेगुलर बुक में लिखना है. Now in class exercise one is type like your level one, right? Or particularly I can say type one. In class exercise three part में divide होगा जिसको नाम दिया जाएगा in class exercise one, in class exercise two, in class exercise three. Okay, in class exercise one. Use the following paragraph to answer the question 1, 2, 3. तीन question आपको दिए जाएंगे उससे पहले ये paragraph है. Paragraph में कुछ चीजें आपको यहाँ पे मतलब readable नहीं होगी due to black theme conversion. तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या दिया गया है. At a recent wedding, the information we gathered about each wedding guest is presented in the table below. The table gives information regarding whether a person was guest of the bride or groom and whether a person brought a gift. ये होता है ना जब भी आप gift शादी में जाते हो right? सबसे पहले ये पूछा जाता है आप कहाँ से हो. आप लड़के वालों की तरफ से हो कि लड़की वालों की तरफ से हो. हाँ या ना. एंड पर्टिकुलर एक अलग लिस्ट बनती है कि आपने गिफ्ट क्या दिया राइट right? जब आप गिफ्ट देने जाते हो. So, जैसे ये राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता. वाह राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता ये आपके छह गेस्ट आए थे. ऐसी शादी की जिसमें सिर्फ छह गेस्ट आए थे पॉसिबल ही नहीं है. दुल्हा दुल्हन के घर वाले आएंगे फिर भी 50 हो जाएंगे. छह तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ या ना. अब उसमें से कौन ये जो आपको पहला दिया गया दैट इज फ्रॉम ग्रूम्स गेस्ट राइट. ग्रूम मतलब आपके दुल्हे वाले लड़के वाले. इसमें से लड़के वाले कौन कौन से थे
तो हम देख सकते हैं कि सोहन और सीता लड़के वालों में से, राम और श्याम लड़के वालों में से। फिर यहाँ पे आपके ब्राइड्स गेस्ट, हाँ स्निग्ध इज टेलिंग कोविड सेफ्टी, क्रिश इज ऑल्सो टेलिंग कोरोना फ्रेंडली वेडिंग। कोरोना में भी 50-50 लोगों की परमिशन दी गई है, वो 50 दिखा के फिर वो 150 लोग को बुला देते हैं, हद कर देते हैं भाई। सो ब्राइड्स गेस्ट में आप देख सकते हो जैसे सीता ब्राइड की गेस्ट है एंड इधर मोहन एंड इधर से श्याम, ये ब्राइड के गेस्ट है। एंड इनके बीच में बहुत झगड़ा होता है, अगर आप शादी में जाते हो तो आपको ये पता ही होगा कि दूल्हे की जूती कौन चुराएगा। दूल्हे की जूती चुरा के जब ये लोग भागते हैं लड़की वाले, जो इंतजार करते हैं उसका, एंड उसके बाद जो होता है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे दोस्त की शादी हुई थी, द डेट वॉज मार्च 9, दोस्त की शादी हम गए। हाँ एंड हाँ, जैसे जैन ने ऑब्जर्व किया, सर यहाँ पे श्याम तो कॉमन गेस्ट है। हाँ, ऐसा कॉमन गेस्ट जो दोनों को पहचानता है, दूल्हे वाले को भी जानता है एंड दुल्हन वालों को भी जानता है। हाँ या ना, सीता भी। हाँ सीता भी, अच्छा हो सकता है ये सब आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो, राइट, एंड इन सबको पता है कि चलो लाइक द कॉलेज फ्रेंड्स, एंड इन सबकी शादी हो गई इन साथ में। फिर गिफ्ट कौन कौन लाया, तो राम बहुत ही गंदा लड़का है, गिफ्ट नहीं लिया, राइट, यहाँ पे कंजूस है सर, कंजूस है। चलो श्याम गिफ्ट दिया, मोहन गिफ्ट दिया, फिर उसके बाद सोहन भी गिफ्ट दिया है, सीता भी गिफ्ट दिया, गीता ने गिफ्ट नहीं दिया, वो भी कंजूस है, दोनों कंजूस हैं, उनको गिफ्ट देना नहीं है, बस आके फ्री का खाना खा के चले गए, राइट। हाँ या ना, यस सर, यस, ये चीज है, ठीक है। मैं स्टोरी सुना रहा था जब मेरे दोस्त की शादी हो रही थी, तो जैसे जूती वाला टाइम था, दोनों पांव उसके हैं, जैसे ही एंट्री होती है, दूल्हे की बारात आती है, एंड फिर एंट्री होने के बाद महाराज जी आते हैं, एक रखते हैं बाजट बोलते हैं उसको, दूल्हे को जूती उतार के अपना पांव बाजट के ऊपर रखना है। जैसे दूल्हे ने जूती उतारी, छह हाथ आ गए, छह हाथ दूल्हे के पांव के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो जूती उतारनी बाकी है, छह हाथ में से तीन हाथ हम लड़के वालों के हैं, तीन हाथ लड़की वालों के हैं, एंड जो क्या कश्मकश चल रही है, हमें तो ऐसा लगा कि हमारा दूल्हा ही गिर जाएगा। ओके, मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगा शायद बीच में वॉइस ब्रेक हुई थी, राइट, तो हमें सर ब्रेक हुई थी, अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि दूल्हा गिर जाएगा। द थिंग इज, ये कश्मकश में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये कश्मकश में ऐसा हुआ कि दूल्हे ने चालाकी करके पांव पीछे किया, पांव पीछे किया, तो जूती उस तरफ तो निकल गई, बट जूती फट गई, पूरी पूरी जूती लड़के और लड़की की लड़ाई में फट गई, फट गई। अब लड़के वालों ने तो जूती संभाल के रख दिया। नाउ जैसे यहाँ पे श्याम और सीता कॉमन गेस्ट है, वैसे मैं कॉमन गेस्ट था, मैं लड़के वालों को भी जानता था, लड़की वालों को भी जानता था। तो लड़की वाले मेरे पास आए, बोले जूती कहाँ है, जूती हमें दे दो। मैंने बोला कि मेरा काम था बस जूती बचा के पास करना, जूती बचा के पास मैंने कर दी, फिर कहाँ गई वो तो मुझे भी पता नहीं है, आधा घंटा वो लोग मेरे पीछे पड़े रहे। उसके बाद जब मैं गया तो हमें पता चला कि अब लड़की वालों ने सबकी जूतियां चुराना शुरू कर दिया है। लड़के वालों से जो जो आए थे सबकी जूतियां गायब हो रही है एक एक करके। हम सब सोच रहे हैं, इवन उन्होंने फोटोग्राफर तक को नहीं छोड़ा था, जो फोटोग्राफर है फोटोग्राफर की जूती गायब हो गई, जो लड़के वालों का फोटोग्राफर आया है वो बोल रहा है मेरे सैंडल कहाँ चले गए, लाइक है। हम बोले सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो गई। अब ये भागदौड़ी में एक लड़की का मोबाइल गिर गया, लड़की वालों की टीम से एक का मोबाइल गिर गया। जैसे मोबाइल गिर गया, हम लड़के वालों की टीम में से उसने मोबाइल चुरा दिया। जैसे मोबाइल चुरा दिया, अब उनको पता चला कि हमने जूती चुरा दी है, सामने वालों ने मोबाइल चुरा दिया है। अब कश्मकश और बढ़ गई। अब कश्मकश में ऐसा हो रहा है, झूठी झूठी स्टोरीज बन रही हैं। लड़की वाले मेरे पास आ रहे हैं, वो लड़की रोने की एक्टिंग कर रही है पूरी, वो बोल रही है कि अभी इसका MBA का इंटरव्यू है, संडे है, रात के 8 बजे हैं, MBA का इंटरव्यू है, तुझे जूती चाहिए जूती ले ले, बट ये मोबाइल दे दे। ये बेचारी इतना रो रही है, मैं तो मान गया, मैं बोला इंसान, मैंने बोला हाँ नहीं सही है, मैंने बोला ठीक है मुझे तो पता भी नहीं है मोबाइल चोरी हुआ है, मैं गया रिस्पेक्टिव पर्सन से बात करने के लिए। हाँ, चिन्मय इज टेलिंग सेम इंसिडेंट हैपन इन माय कजिन ब्रदर्स मैरिज। तो मैं जैसे बात करने के लिए गया, मुझे उन्होंने बोला आज संडे है,
रात को 8 बजे कौन एमबीए का इंटरव्यू लेगा? मैंने बोला हाँ बात तो सही है, फिर कौन सी कॉलेज में इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? जैसे आपका यहाँ पे BITM है ना, बीट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वैसा ही सेम एक वहाँ का इंस्टीट्यूट सूरत का गुजरात में, तो वो बोल रहे हैं ये इंस्टीट्यूट में कभी इंटरव्यू आया तूने सुना है? मैंने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो खत्म बात को। एंड फिर जो लड़ाई चली, फिर जब हमने बोला उनको कि हमारे गेस्ट के सारे जूते दे दो, तब हमें पता चला उन्होंने इतने सारे जूते लिए हैं। जब हमने पूछा कि जब उन्होंने पूछा, पहले हमसे पूछने आए, सबको पूछ रहे हैं एक एक करके आपके जूते कौन से थे, वो बोल रहे हैं ब्लैक कलर के, फिर बोलते हैं ब्लैक कलर में भी कौन से थे, मतलब सोचो हद होती है, सिचुएशन कहां से कहां जा रही है। सो चिन्मय आपके यहां भी कैसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था सर? द मोबाइल इंसिडेंट हैपेंड सर एक्चुअली। एंड प्रशस्ति ने यहाँ पे गीता को ऑब्जर्व किया, प्रशस्ति ने बताया कि सर यहाँ पे जो गीता है वो दोनों की गेस्ट है ही नहीं, तो फिर वो गिफ्ट क्यों देगी? इट इज लाइक 3 इडियट्स आया ना, कि बस वो यूनिफॉर्म पहन के आ गया खाना खाने के लिए। आप किसकी तरफ से? हम साइंस की तरफ से हैं, ना ही लड़के वालों की तरफ से ना लड़के वालों की तरफ से। चलो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री। चलो ये क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? डेटा क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू, बोलो हाँ हाँ हाँ, राइट? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर वन, given that the only information you have about the wedding is in the table above, which of the following collection of people is well defined set? Example, all the guests of the bride. Solution, a collection is said to be well defined if we can have definitely decide whether, wo sab hume pata hai. Chalo, all the guests of both bride and groom. Chalo, bride and groom ke sare guest aap likh sakte ho, Hayana, Ram, Shyam, Mohan, Sohan, Sita, sab aa jayenge Geeta ko chhod ke. Hayana, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, लिखो मत, अभी पहले जवाब दो, लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको, राइट? पीपल हु बॉट द गिफ्ट, बोलो ये भी सेट है, पीपल हु बॉट द गिफ्ट, गीता को छोड़ के और राम को छोड़ के बाकी सबने गिफ्ट दिया है, राइट? श्याम, मोहन, सोहन, सीता, एंड यू शुड नॉट जज द पीपल। हो सकता है राम बेचारा बहुत ही मुश्किल से पहुंचा हो शादी में, हो सकता है वो बाद में गिफ्ट देने वाला हो, राइट? सो जिन लोगों ने गिफ्ट दिए हैं वो है आपके श्याम, मोहन, सोहन, सीता। देन पीपल हु ब्रॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट, इन सब में से कौन हो सकता है जिसने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, बोलो। स्पेसिफाइड भी नहीं और हमारे पास डेटा भी नहीं है, राइट? एक्सपेंसिव मतलब कितना एक्सपेंसिव, 1000 का एक्सपेंसिव है, 2000 का एक्सपेंसिव है, 3000 का एक्सपेंसिव है, कितना एक्सपेंसिव? सो इट इज नॉट अ सेट। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन वन इज वेरी मच इजी। यस सर। राइट, संप्रीता, रेशमा, पता चल रहा है, भावना, जोएल, प्रियांशु, इजी है, वरुण, हां सर, एंड विवेक, राइट, न्यू स्टूडेंट्स। सब बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर टू, नाउ लेट जी बी द सेट ऑफ द गेस्ट ऑफ द ग्रूम, जो लड़के वालों की तरफ से वो आपका हो जाएगा सेट जी। बी बी द सेट ऑफ ऑल द गेस्ट हु आर फ्रॉम ब्राइड, मार्क द फॉलोइंग एज ट्रू। राम बिलोंग्स टू बी, बोलो राम ब्राइड वाले सेट में है क्या? क्या राम ब्राइड की तरफ से था? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। गीता डज नॉट बिलोंग टू ग्रूम साइड, लेट अस चेक। गीता, क्या गीता ग्रूम में है? नहीं सर। नहीं है, ट्रू। सीता बिलोंग्स टू ग्रूम साइड, सीता ग्रूम वालों की तरफ से है? मोहन डज नॉट बिलोंग टू ब्राइड साइड, लेट अस चेक। मोहन डज नॉट बिलोंग टू ब्राइड साइड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स। राइट, अब ये वाला बाद में, ये अभी पता नहीं चलेगा, ये सस्पेंस, ये बाद में देखेंगे क्योंकि इसकी थियरी अभी हमें पढ़नी है, ये सबसेट वाली थियरी है। सो दिस इज सस्पेंस।
सस्पेंस हमें कब पता चलेगा? नेक्स्ट क्लास में. जैसे एक एजीएफ वन, नहीं बाहुबली वन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली टू. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. बताता हूँ क्या लिखना है आपको, क्या नहीं लिखना है. एंड क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू देख के आप जितने खुश हो रहे होंगे कि अरे इतना आसान है, इतना आसान है, तो रुक जाओ, पिक्चर अभी बाकी है. क्वेश्चन नंबर थ्री अभी बाकी है. राइट, अभी हम जेई लेवल पे एंटर ही नहीं हुए हैं, ये सब आपका बोर्ड्स लेवल चल रहा है. राइट, सो ये सब आपको क्लास टेंथ के लेवल का ही लग रहा होगा. राइट संपदा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. चलो सी इट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल. ऑल्सो मार्क वेदर द सेट इज सिंगलटन और नॉन सिंगलटन. सिंगलटन नॉन सिंगलटन हम देखेंगे. सिंगलटन और नॉन सिंगलटन अभी देख ही लेते हैं. सिंगलटन मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो. राइट, जैसे उसका नाम बोल रहा है. सिंगलटन मीन्स सिंगल. सिंगल मीन्स सिर्फ एक एलिमेंट है. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक, वो हो जाएगा सिंगलटन. और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, दैट इज नॉन सिंगलटन. इज दिस क्लियर एवरीवन? या एक से कम है, दैट इज जीरो एलिमेंट है, तो भी नॉन सिंगलटन. राइट, जैसे एग्जांपल, हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ द ब्राइड. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ब्राइड के गेस्ट कितने हैं. चलो जल्दी 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 जल्दी, ब्राइड के गेस्ट कितने हैं? 1, 2, 3. क्लियर, ब्राइड साइड से कितने लोग आए? ओनली 3. नाउ हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ द ग्रूम. गेस्ट ऑफ द ग्रूम, यस, ग्रूम के कितने गेस्ट हैं? 1, 2, 3, 4. चलो हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ बोथ. बोथ मतलब दोनों ने बुलाया है. दोनों ने बुलाया वैसे कौन कौन है? श्याम और सीता. राइट, हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ ब्राइड ओनली. अब समझो ब्राइड ओनली का मतलब क्या है? जिसे सिर्फ ब्राइड ने बुलाया है, जिसे ग्रूम ने नहीं बुलाया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसे सिर्फ ब्राइड ने बुलाया, जैसे श्याम को ब्राइड और ग्रूम दोनों ने बुलाया है, तो यहाँ पे आएगा आपका मोहन, जिसे सिर्फ ब्राइड ने बुलाया है. हाँ या ना? आएगा कि नहीं? राइट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ सर. वन, बिकॉज इट इज ओनली मोहन. बोलो, अब ये सिंगलटन होगा? हाँ सर, सिंगलटन होगा. हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ ग्रूम ओनली. ग्रूम ओनली मीन्स सिर्फ ग्रूम ने बुलाया है, ब्राइड ने नहीं बुलाया है. तो चलो देखते हैं, सिर्फ ग्रूम ने बुलाया, ब्राइड ने नहीं बुलाया, तो इधर आएगा आपका राम और सोहन. राइट, राम और सोहन, समझ रहे हो ना? टू. हाँ सर. ओके, हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ नाइदर ब्राइड नॉर ग्रूम. किसी ने नहीं बुलाया. वन. हाँ, सिंगलटन. गीता. गीता सर. राइट सर, सिंगलटन. सिंगलटन, अथर्व की पूरी नजर है सभी गेस्ट पे. वेरी गुड अथर्व. चलो, हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ द ग्रूम एंड हैव ब्रॉट अ गिफ्ट. जो ग्रूम के गेस्ट हैं और उन्होंने गिफ्ट लाया. चलो, ग्रूम के गेस्ट हैं, उन्होंने गिफ्ट लाया. ये राम ने नहीं लाया, श्याम ने लाया, सोहन ने भी लाया और सीता भी लाई. सीता ने भी लाया. तो श्याम सर, तीन है सर टोटल. यस, थ्री. चलो, हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ ब्राइड एंड डिड नॉट ब्रिंग अ गिफ्ट. ब्राइड की तरफ से और किसने गिफ्ट नहीं दिया? जैसे श्याम है, उसने दिया, सीता है, उसने भी दिया, फिर मोहन है, उसने भी दिया, तो सभी ने दिया है. हाँ या ना? ब्राइड की साइड से जितने है सबने दिया है. कितने अच्छे हैं ये लड़की वाले. राइट, जितने हैं सब गिफ्ट लेके आए. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, तो जितने ब्राइड साइड से हैं सब गिफ्ट. यस सर. ऐसा कोई भी नहीं जो गिफ्ट नहीं लाया. हाउ मेनी पीपल आर गेस्ट ऑफ बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम एंड हैव बॉट द गिफ्ट. दोनों तरफ से हैं और गिफ्ट लेके आए, तो दोनों sir, two, sir. के पास श्याम और श्याम और सीता, और गिफ्ट भी दोनों लाए हैं, श्याम और सीता. सीता सर. टू. श्याम एंड सीता. सिंगलटन सेट आपके बस आएंगे फिफ्थ वन एंड थर्ड वन. ये सब आप, ये दोनों थर्ड वन है, बाकी सब नॉन सिंगलटन. यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब आपको क्या नोट डाउन करना है? आपको एक भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, सारे आंसर नोट डाउन कर दो. ओके, कैन यू नोट डाउन ऑल द आंसर्स? राइट, पहले प्री रीडिंग के नोट डाउन कर दो.
आज का आपका होमवर्क होगा इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन। ओके, बस ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। धीरे धीरे होमवर्क इंक्रीज होगा, राइट? नेक्स्ट क्लास से स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज होगी एंड होमवर्क भी इंक्रीज होगा। Exactly, this is question 4 and question 5. Question 4 and question 5. Okay? ये उम्र रहा। चलो जल्दी जल्दी कर दो everyone, time up. Right? बाकी का नहीं तो screenshot ले लो, फिर घर से लिख देना, नहीं तो recording या OneNote link से लिख देना।